तो हम भी उसपे मौका पे चौका मार। सबको जय शू जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान और फिलहाल हम हैं, ये एक जीएल चर्च है, देख रहे हैं मेरे पीछे एक जीएल चर्च है, ये सेक्टर 18 का एनडब्ल्यू जीएल चर्च है और यहाँ पे हम लोग एक वेडिंग का डेकोरेशन के लिए आए हैं। सो हम लोग हरियाली ढूंढ रहे थे बट कहीं हरियाली दिखाई नहीं दिया क्योंकि इस टाइप का हो रखा है बाउंड्री ना, तो शेड कहीं नहीं दिखा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है स्टेज पे ही डेकोरेट करेंगे। सो यहाँ पीछे देख रहे हैं ये स्टेज है, तो यहाँ पे हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सो उसी की तैयारी में बच्चे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत कोई प्रैक्टिस चल रहा है। सो वो प्रोग्राम क्या है उसको तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि क्या कर रहे हैं। इशू एंड वेलकम टू न्यू डे। सो आज के इस नए दिन में सबों का स्वागत है और कल एक्चुअली जैसा बोल रही थी हर डेकोरेशन में ऐसा ही हो रहा है कि हम स्टार्ट करते हैं फिर सीज़न ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, वही आंधी तूफान आने का। तो कल भी डेकोरेट किए एंड उसके बाद में फिर मौसम कुछ ख़राब कर रखा तो फिर आधा करके फिर सब कुछ को रख के चले गए हैं और अभी बज रहा है सवेरे का 5:30 और हम लोग यहाँ आके पहुँच गए हैं। सो फिर से हम लोग सबको जो कुछ भी करना है वो सब कुछ को काम ख़त्म करने का कोशिश में है, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं।
अभी आप मुझे देख सकते हैं एक अलग कपड़े में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम घर गए थे फ्रेश होने के लिए एंड फ्रेश होकर आ गए हैं। और जैसे कि बता रही थी, सवेरे 5:30 बजे से हम लोग आए हुए थे और यहाँ का सारा काम ख़त्म करके हम लोग फिर निकल गए। और गुड्डू से मिलना भी था, नाश्ता भी करना था, इसलिए घर चले गए थे और आए हैं। तो अभी मास चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन निकलेंगे तो उनसे हम आप लोगों को मिलाएंगे, ठीक है। सो ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एक फेमस सेइंग है ना, या कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सो लाइक ये जो कपल है, इनकी शादी काफ़ी लेट से हो रही है। सो ग्रेट एग्जांपल है कि वेट करो, और वही है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, देर से ही सही मिलता ज़रूर है। सो वेट करना चाहिए। सो दूल्हा दुल्हन बाहर निकलेंगे तो मिलाएंगे उनसे और पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। अरे घर में चलता है तुम लोग, देर रात दिखा ऐसा तेरे को बोल सबका नाम भी। तो अंदर मास चल रहा है और बाहर मेरे साथ आलिशा और अच्छा मुझे नाम तो नहीं पता, मिल गए हैं इनसे, काफ़ी दिन से बात हो रहा है। कल आए थे तो अंकल से भी हम लोग का बातचीत चल रहा था। सो कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही सुंदर डेकोरेट किए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। और हम लोग नेक्स्ट जिसका भी शादी होगा आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इतना सुंदर डेकोरेट करने के लिए हमारे चर्च को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खत्म हो गया है और दूल्हा दुल्हन अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और मेरे साथ में यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे लोग हैं। हेलो बोल दो। Hi. दिख रहे हो ना सब? हाँ, तुम भी आ जाओ। हेलो। तो आप लोग यहीं से हो ना? हाँ, यहीं से है ना, लड़की साइड से ना? हाँ, ठीक है। तो मेरा चैनल है दीदी की दुकान, देखना और लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सामने खड़े हैं, लास्ट ये दोनों सामने ठीक रहा। हां भाई देखो, चलिए मैं आपको एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलाती हूँ। एक्चुअली हम सवेरे आए थे और खाली पेट थे, पानी पिए थे, वॉक पे गई थी और आके मुझे पूछती है दीदी चाय पियेंगे क्या। सो घर गई और चाय बना के लेके आ गई। तो थैंक यू प्रीति, मोस्ट वेलकम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी का जो भी काम है, जो भी डेकोर है, बहुत बहुत सुंदर है। और आशा करते हैं कि जितना हम लोग का चर्च का प्रोग्राम वगैरह होगा, अपकमिंग इवेंट्स जो है, उसमें हम लोग दीदी को जरूर बुलाएंगे। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ चर्च के बहुत प्रीटी प्रीटी लेडीज यहाँ पे खड़े होके फोटो शूट चल रहा है इनका, तो हम भी उसपे मौका पे चौका मार ले रहे हैं। स्माइल और हेलो कर दीजिए सबको यहाँ पे। थैंक यू। बोल रही थी कि मेरे पीछे कुछ वहाँ पे सामने फोटो शूट चल रहा था, तो प्रीटी प्रीटी लेडीज थे। अभी ये लोग यहाँ पे भी लाइन में है, सो ये लोग लाइक रिकॉग्नाइज कर लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसा दीदी बोल रही थी कि आप गोमटी में भी किए थे बोल के, तो हाँ
तो बस कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गुवाहाटी वाला तो आपको YouTube में देखे थे, है ना? अभी यहाँ लाइव देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? उसी का ठिकाना नहीं है, अच्छा लग रहा है। और अभी आप लोग इसी प्रेम में आएंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू। देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन का सबको भेंट करके ख़त्म कर ही चुके हैं और उनका फोटो सेशन चल ही रहा था और उस बीच हम लोग भी आ गए हैं और उनको मिल लेते हैं। तो ये है, सो कांग्रेचुलेशंस अभी आप लोगों के लिए। थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी के दुकान से हम लोग कॉन्टैक्ट किया है, यूट्यूब से देखा तो दीदी का दुकान जो वीडियो छोड़े थे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम दोनों पति पत्नी मिलकर देखा और दीदी को कांटेक्ट किया और दीदी हम लोग को माने खुशी और आनंद में भर दिया है, माने ऐसा सजाया है पूरा हमारा दिल छू लिया है। तो थैंक यू दीदी सो मच, थैंक यू। तो आप लोगों को ये डेकोरेशन पसंद आया उसके लिए थैंक यू और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का शादी जीवन ऐसे ही बहुत सुंदर रहे। तो मेरे साथ में ये भैया है और इनका ये टीम है। हाँ, तो ये फोटोग्राफी के लिए है। सो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भैया किस नाम से कांटेक्ट करना पड़ता है? हमारा स्टूडियो कृष्ण डिजाइन नाम से है, हमारा सेक्टर 9 में हमारा मार्केट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, ठीक है? सो जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है भैया लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ ही गया है और हम लोग भी थोड़ी देर में ये सब कुछ वाइंड अप करके घर के लिए निकल जाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि गर्मी बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं देन प्लीज़ पानी बॉटल कैरी कीजिए, सफिशेंट पानी पीजिए, अदरवाइज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखिए, है ना? और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये डेकोरेशन अच्छा लगा हो देन लाइक कीजिएगा और नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी ही किसी नए डेस्टिनेशन पे नए डेकोरेशन के साथ में। तब तक वीडियोस देखते रहिए।